Hi all, this is Anjali और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ प्रोवाइडेड बाय CBSE फॉर क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. तो आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड है जिसमें से हम 7 प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर चुके हैं एंड नाउ वी गोइंग टू डू दिस प्रोग्राम विच इज़ टू डिटरमिन इफ अ नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. हमने 7th प्रोग्राम में किया था टू चेक इफ अ नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट. सो अभी हमें चेक करना है कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं. तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होते क्या हैं. सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं कि आपके पास एक नंबर है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट. फिर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के बाद उसमें क्या करना होता है, उसके डिजिट्स का सम निकालना होता है. डिजिट्स का सम, सीधे सम नहीं निकालते हम, डिजिट्स के क्यूब का सम निकालते हैं. सो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ द डिजिट्स. ठीक है, जैसे कि 153 है तो आप क्या करोगे, 1 का क्यूब निकालोगे, 5 का क्यूब निकालोगे, 3 का क्यूब निकालोगे. 1 का क्यूब होगा 1, 5 का होगा 125 और 3 का होगा 27. 3 into 3 is 9, into 3 is 27. So 125 plus 1 plus 27 is equal to 153. तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है. और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है. सो वील कोड दिस इन पाई चार्म. सो लेट मी ओपन पाई चार्म फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट दी coding. So we'll open PyCharm from the applications. So हम क्या करेंगे इसमें logic, सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि कितने digits हैं हमारे पास. So जितने digits हमारे पास होंगे वो हम use करेंगे as a power. तो एक एक digit निकाल के हमें उसकी power calculate करनी होगी और उसको साथ के साथ सम करते जाएंगे. तो मैंने जब आपको वाइल लूप कराया था पाइथन में, आई एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर. सो जैसे हमने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर किया था वैसे ही कुछ उस तरीके से हम इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक एक डिजिट निकालना है यहाँ पर भी. सो सिंस यू हैव टू टेक आउट वन डिजिट, तो हम यहाँ मॉड 10 वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे. जब आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो एक डिजिट कम हो जाता है, और अगर मैं उसको रिमाइंडर निकालती हूँ तो वो आपको, जैसे 356 है और आप 356 रिमाइंडर 10, मतलब 356 मॉड 10 करोगे तो आपके पास सिर्फ 6 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट आ जाता है. सो यू कैन कीप गेटिंग द डिजिट्स लाइक दिस. सो मैंने यहाँ पर फाइल बनाई जिसका नाम दे दिया आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसके अंदर मुझे अब अपना कोड करना है टू चेक इफ अ नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट. ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से पहले हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली. सो आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ 153. सो 153 में 3 डिजिट्स हैं. वो 3 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1, 5 और 3. 1 का क्यूब हुआ 1, ये हुआ 125 एंड देन 27. इसको ऐड करोगे तो वापस 153 आ जाएगा. और ये चीज़ अब पाइथन में कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप नंबर इनपुट करवा लोगे. तो आपने यहाँ पर यूज़र से नंबर पूछ लिया, सो एंटर अ नंबर, आई गॉट द नंबर. अब मुझे क्या करना है, मुझे पता लगाना है कि इसमें डिजिट्स कितने हैं. अगर मैं सी, सी प्लस प्लस या जावा में कोड कर रही होती तो मुझे लूप लगा के फाइंड आउट करना पड़ता कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, लेकिन मैं पाइथन में काम कर रही हूँ. सो पाइथन इज़ मच ईजियर इन कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेजेस. सो मेरे को निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. सो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेंथ str num. ये कैसे काम कर रहा है, मैंने क्या किया, पहले num को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में. सो फॉर दिस लाइन नम जो है वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, और फिर मैंने उसकी लेंथ निकाल ली. सो अगर आप नंबर इनपुट करते हो 153 तो उसमें डिजिट्स कितने होंगे, नम डिजिट्स. आई वॉन्ट टू शो यू, आप देख सकते हो कि आपके पास वही वैल्यू आएगी. तो अगर मैं इसे अभी रन करती हूँ, विच इज़ माई आर्मस्ट्रॉन्ग डॉट पी वाई, हम एक नंबर एंटर करेंगे और वो हमें बताएगा कि उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं. ठीक है, and that is done with a very simple code. So I have entered 4, so it is showing 4, so there are 4 digits. अगर मैंने इसको दोबारा से run किया और मैंने enter किया 44, so there are 2 digits. So Python है तो आप इतने short तरीके से इसको कर सकते हो. ठीक है, अब करना क्या है हमें num digits का, हमें उतनी बार loop चलाना है. तो मैंने sum को ले लिया initially 0, और यहाँ पर एक लूप लिया जिसमें मैं नंबर को कम करती जाऊंगी, बिकॉज मुझे एक एक डिजिट चाहिए. सो आई डोंट वांट टू लूज माय ओरिजिनल नंबर, तो मैंने नम की वैल्यू ए में डाल दी और यहाँ पर लूप लिया व्हाइल ए इज़ ग्रेटर देन 0. अब जब तक ए 0 से बड़ा है,
तो एक सिंगल डिजिट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय राइटिंग ए मॉड 10। सो ए को 10 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो डिजिट में आ गया। सम में आपको क्या ऐड करना है, सम में ऐड करना है आपको डिजिट रेज टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स। सो यू हैव टू फाइंड डिजिट जो हमारे पास आया है रेज टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट। जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 3 थे तो आपके सब नंबर की पावर 3 निकालनी है और फिर सम में ऐड करते जाना है। ऐड करते गए, उसके बाद जब लूप ख़त्म हो गया, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसके अंदर आनी चाहिए, वो है ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 10। आपका नंबर छोटा भी होना चाहिए, जैसे अगर आपके पास 536 था तो पहले डिजिट में 6 आ गया, फिर 6 का क्यूब सम में ऐड हो गया, तो अब वो जो 536 है दैट विल रिमेन 53 इस लाइन की वजह से। सो 536 अपॉन 10 इज 53.6, लेकिन इंटीजर्स लेंगे तो वो 53 आना चाहिए, और फिर उस 53 के साथ हम मॉड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये पाइथन है, अब पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर डिवीजन नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे 536 अपॉन 10 करोगे तो 53.6 ही आंसर आएगा, 53 नहीं आएगा, जबकि सी सी प्लस प्लस जावा में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे अगर इंटीजर है तो रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है, बट पाइथन में डेटा टाइप्स हम नहीं बताते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप्स, सो वैल्यू का डेटा टाइप चेंज हो जाता है। लेकिन उसको ना हो ऐसा, उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे 2 स्लैश देंगे, और इन 2 स्लैश का मतलब है कि आप स्पेसिफिकली बता रहे हो कि हमें इंटीजर डिविजन ही करनी है, हमें पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए ही नहीं, ठीक है। और ये सब होने के बाद, पूरा लूप चलने के बाद, अगर मेरा नंबर और जो सम आया है वो दोनों सेम हैं, तो हमारे पास जो नंबर है वो एक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर वो सम सेम नहीं आता है दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। सो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं दैट नॉट एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, सो वी कैन गिव दिस, ठीक है। अब अगेन मैं आपको पूरा लॉजिक एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमने नंबर इनपुट करके पूछा डिजिट्स कितने हैं, पूछा नहीं मतलब हमने नंबर पूछा, डिजिट्स हमने निकाल दिए, और उसके बाद हमने लूप लगाया जो हर डिजिट के लिए चलेगा जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता। आप डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, विद द हेल्प ऑफ ए मॉड 10, या आपको एक डिजिट देता है, फिर उस डिजिट रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हम सम में ऐड करते जा रहे हैं, नंबर हर बार एक डिजिट से छोटा होता जा रहा है, करते करते जब वो 0 हो जाएगा ये रुक जाएगा, एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि सम और नम अगर दोनों सेम हैं तो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है। सो मैंने 153 एंटर किया, इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन अगर मैं 121 या कुछ भी ऐसा एंटर करती, 123, इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आपने फिर से रन किया, आपने कुछ भी और एंटर कर दिया, 4 डिजिट भी एंटर कर सकते हो, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो बहुत कम नंबर्स आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, सो यू कैन टेस्ट कौन कौन से नंबर्स आपको मिलेंगे जो आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे, बट दिस इज़ हाउ वी कैन चेक इफ अ नंबर इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। सो उसके लिए अगेन नंबर इनपुट करो, डिजिट्स निकालो कितने हैं, एंड टेक द लूप विच विल चेक वेदर द सम ऑफ डिजिट्स पावर टू द नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम एज द नंबर और नॉट। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम डू क्लिक द लाइक बटन। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप वाइल लूप वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स एक्सप्लेन किया हुआ है। वंस यू विल अंडरस्टैंड दैट तो आपको ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। Do click the like button, share the video with your classmates, and do subscribe the channel agar aapne abhi tak subscribe nahi kiya hai. Watching the videos on the channel and learning from that is absolutely free, but in case you want to participate in the live chats or you want to ask your doubts on WhatsApp personally to me, so uske liye channel memberships aapke paas available hain, to aap join button pe click karke ya fir join link pe click karke description mein se membership options dekh sakte ho, and you can be a member of the channel to have some extra privileges. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.